गणेश चतुर्थी पर करें एक काम, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। हिंदू धर्म में भगवान गणेश की उपासना का विशेष महत्व है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश की उपासना करने से सुख, समृद्धि, बुद्धि व बल आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन लोग गणपति को ढोल नगारों के साथ लाते हैं और उन्हें स्थापित करने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदा किया जाता है। लेकिन इस साल गणेश चतुर्थी की डेट को लेकर लोगों के बीच कन्फ्यूजन है, तो आइए जाने कब है गणेश चतुर्थी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 से प्रारंभ होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण इस साल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 19 सितंबर 2023 मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। आइए अब जानते हैं गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 सितंबर का दिन गणेश स्थापना के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। 19 सितंबर को गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक का है। आइए अब जाने गणपति पूजा मुहूर्त। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए दोपहर के समय को गणेश पूजा के लिए ज्यादा शुभ माना जाता है। हिंदू दिन के विभाजन के अनुसार मध्याकाल अंग्रेजी समय के अनुसार दोपहर के समान होता है। मध्या मुहूर्त में भक्त लोग पूरे विधि विधान से गणेश पूजा करते हैं, जिसे षोडशोपचार गणपति पूजा भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं गणेश मूर्ति स्थापना विधि। सबसे पहले चौकी पर गंगा जल छिड़के और इसे शुद्ध कर लें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर अक्षत रखें। भगवान श्री गणेश की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। अब भगवान गणेश को स्नान कराएं और गंगा जल छिड़कें। मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि के रूप में एक एक सुपारी रखें। भगवान गणेश की मूर्ति के दाईं ओर जल से भरा कलश रखें। हाथ में अक्षत और फूल लेकर गणपति बप्पा का ध्यान करें। गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। गणेश चतुर्थी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर ना करें चंद्र दर्शन। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्ज होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से दर्शनार्थी को चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर शुभ व मांगलिक कार्य भूल कर ना करें। गणेश चतुर्थी की पूजा में भूल कर भी प्याज, लहसुन, शराब और मांस का सेवन न करें, इससे बप्पा नाराज हो सकते हैं। गणेश चतुर्थी जैसे पवित्र दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन में सात्विक विचार रखें। गणेश चतुर्थी में किसी भी पशु या पक्षी को ना मारें और ना ही उन्हें सताएं। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश क्रोधित होते हैं। गणेश चतुर्थी में भूल कर भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें। आपका एक झूठ आपकी नौकरी और व्यापार में नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है, आपको भूल कर भी इस दिन अपने घर में कलेश नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन करना सख्त मना है। आइए आप जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी है। गणेश चतुर्थी पर यदि संभव हो सके तो आपको किसी हाथी को घास अवश्य खिलानी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। आपको गणेश चतुर्थी के दिन गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे दक्षिणा अवश्य दें। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान करें। इस दिन केले के पत्ते में रोली से त्रिकोण बनाए, इसके आगे दीपक रख दे। इसके बाद बीच में मसूर की दाल और लाल मिर्च रख दे। फिर अग्नि सशक्त बोधि नमः मंत्र का जाप करें। पूजा करते समय घोघृत में सिंदूर लगाएं, फिर गणेश जी के आगे दीपक जलाएं,
उन्हें गेंदे के फूल चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कार्य संपन्न होते हैं। जो गणपति जी नीम की जड़ में उभरे हैं, उनके समक्ष हस्ती पिसाची लिखें, स्वाहा मंत्र का जाप करें, फिर उन्हें लाल चंदन लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, इसे मध्य पात्र में स्थापित करें, फिर उपरोक्त मंत्र का जाप रोजाना करें। इससे व्यक्ति के पास बुरी शक्तियां नहीं आएगी और उसके शत्रु भी शांत हो जाएंगे। आइए आप जानते हैं कब होगा गणेशोत्सव का समापन। हर साल गणेशोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। इस साल गणेश उत्सव का समापन 28 सितंबर 2023 गुरुवार को होगा। इस दिन ही देश भर में गणेश विसर्जन किया जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि गणेश जी के कितने भाई बहन थे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।